सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप एक हाई नेक डिज़ाइन को कटिंग कर सकते हो। और गाइज, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि हाई नेक डिज़ाइन को कटिंग करने का और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, सो आज की इस वीडियो में मैं ये वाला जो डिज़ाइन है इसका प्रोसेस बताऊँगा, जो कि हाई नेक डिज़ाइन ही बनेगा लेकिन जो कटिंग करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी अलग होने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे दोनों डिफरेंट तरीके से कटिंग होता है लेकिन देखने में आपको एक जैसा ही लगेगा। जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे कि ये जो डिजाइन है, यहां पे आप देख सकते हो, ये डिज़ाइन में ये जो पट्टी है ये कंटिन्यू यहाँ पे बैक से होके जाता है इस तरीके से। सो ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए मैंने जो कल जो कटिंग बताया था उसको आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आज का जो डिज़ाइन होने वाला है ये बिल्कुल अलग होने वाला है। ये मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। सो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको पेपर कटिंग करके बताऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो पेपर ले लिया है जो कि एक बैक पार्ट के लिए रहेगा और एक फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जहाँ पे हमारा शोल्डर कटिंग होगा उसका ऊपर के साइड पे हम थोड़ा छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये शोल्डर कटिंग होगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इतना छोड़ दिया है। ओके, उसके बाद आपका जो भी शोल्डर का मेजरमेंट रहेगा आप यहाँ पे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे ले लेता हूँ, जो कि आपका 15 इंच का शोल्डर के लिए होता है। और उसके बाद मैंने नेक के लिए यहाँ पे 3.25 इंच पे एक मार्किंग करूँगा, जिस तरीके से नॉर्मली कटिंग होता है ब्लाउज़ पे या फिर कुर्तीज़ पे, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था उसी तरीके से आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच का डाउन कर देता हूँ और ये दोनों लाइन्स को इस तरीके से मिला देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। ओके, उसके बाद आर्महोल के लिए जो भी प्रोसेस से आप कटिंग करते हो इस तरीके से लेना है और इसको सीधा नीचे कर देना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम आर्महोल का ड्राइंग करेंगे। उसके बाद इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हो या फिर टॉप बना रहे हो तो आपका जो भी लेंथ रहेगा आप यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। उसके बाद ये दोनों लाइन्स को भी सीधा कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप अपना बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका साइड का फिटिंग ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी आर्महोल का मार्क कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने एक पेपर ड्राइंग कर लिया है। और अभी जो हम इसका हाई नेक कटिंग करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो पार्ट को एक साथ रखा है, मतलब जो बैक वाला पार्ट है और जो फ्रंट वाला पार्ट है दोनों एक ही साथ कटिंग होगा। सो यहाँ पे जो हाई नेक बनेगा ये जो लाइन है इससे ऊपर बनने वाला है, जैसे कि उस वीडियो में मैंने अलग चीज़ बताया था। और ये जो डिज़ाइन है इसमें भी मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नीचे से आपको कटिंग करना है लेकिन इसमें आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका जो बैक का हाई बनेगा, मतलब जितना आपको हाई रखना है उतना आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे 1.5 इंच भी आप रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली 1.5 इंच पे होता है या फिर 2 इंच पे भी होता है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्किंग कर रहा हूँ, तो इस तरीके से देखिए 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। उसके बाद ये लाइन को यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने जो नेक का ब्रॉडनेस होता है उसके लिए हमने 3.25 इंच पे रखा है, जो नॉर्मली साइज़ में होता है। अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा शोल्डर है और ये हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो गले का जो ब्रॉडनेस रखा है वो हमने रखा है 3.25 इंच पर। तो ये हमारा गले का जो ब्रॉडनेस होता है उसके लिए है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ये हमारा होता है हाई नेक के लिए। तो ये हमारा 3.25 इंच है और ये जो ऊपर का हाई नेक होगा तो ये नॉर्मली 2 इंच पे रहता है। ओके, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 2 इंच पे होता है। अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप यहाँ पे 2.25 इंच पे रख सकते हो, और अगर आपका एकदम XXX का साइज़ है तो यहाँ पे आप 2.5 इंच पे ले सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे 2.25 इंच पे इस तरीके से होता है। तो ये देखिए 2.25 इंच पे हमने एक मार्किंग कर दिया है। ओके, उसके बाद ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है इस तरीके से शेप में आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट से नहीं मिलाना है, आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास ऐसा कोई शेप पट्टी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे शेप दे सकते हो, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके से शेप देना है और ये लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शोल्डर। ये पूरा आपका यहाँ से लेकर पूरा ये शोल्डर का पार्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा फ्रंट का नेक होगा, वो जो फ्रंट का हमारा नेक होगा उसका डीप नापने के लिए हम ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर है। तो यहाँ से हम इसका डीप नापेंगे,
जितना भी आपको डिप चाहिए, लाइक 7 इंच 8 इंच जितना भी आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे एक मार्क कर देता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे हम फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैं एक ही पेपर में ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट और ये हमारा पॉइंट है, ये दोनों हमारा नेक का पॉइंट है, और यहाँ पे हम अभी नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक ड्रॉ करने के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है, आपको पहले इस तरीके से स्क्वायर बना लेना है, इस तरीके से। अगर आपको ज़्यादा नेक ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप ये लाइन को सीधा रखेंगे, अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप इस तरीके से इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला देना है। ये हमारा रहेगा फ्रंट वाले पार्ट के लिए, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम नेक ड्रॉ करेंगे, लाइक जो भी आपका नेक है। यहाँ पे मैं आपको एक सीधा सा नेक ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। अभी हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको मार्जिन 7 में लेके कटिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो ये देखिए, ये हमारा लाइन है और यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेके कटिंग करने वाला हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अरमोल को भी कट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कटिंग होगा। ये हमारा हो जाएगा बैक पार्ट, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इसको 2 फोल्ड में कटिंग किया है, तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको 20 से आधा कर देंगे। तो ये अब देखिए, ये आपका हो जाएगा एक बैक वाला पार्ट और ये आपका हो जाएगा एक फ्रंट वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं फ्रंट वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये हमारा लाइन है और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कटिंग किया है, तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका फ्रंट वाला नेक है और ये आपका बैक वाला नेक है। ये देखिए, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपका फ्रंट नेक है, ये आपका बैक नेक है, और ये इस तरीके से जॉइन होने वाला है, ये आपका शोल्डर है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा रख दिया है, और इसका जो स्टिचिंग का वीडियो है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। सो ये जो नेक है ये इस तरीके से कटिंग होता है, और मैंने एक और जो वीडियो आपको बताया है हाई नेक का, वो भी एक कटिंग का प्रोसेस है, और इस तरीके से और भी 2-3 प्रोसेस होता है हाई नेक का। तो इसको मैं आपको स्टिचिंग करके बताऊँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो बने रहना मेरे चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस डिज़ाइन को किस तरीके से कटिंग किया है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या फिर आपको पसंद आया होगा। सो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और इस दोनों जो डिज़ाइन है, इस दोनों डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको वो भी पता चल गया होगा। और इस तरीके से और भी बहुत सारा डिज़ाइन है जो ये दोनों कटिंग में अलग अलग जगह पे आपको यूज़ करना रहेगा, और इस तरीके से मैं और भी आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो है वो आपको जल्दी मिल जाए और आप वो वीडियो को देख पाओ। सो, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेरा पहले का और भी बहुत सारा वीडियो है, वो आप देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।